हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पासपोर्ट में नाम कैसे सही करवा सकते हैं। नाम चेंज है, सरनेम ऐड करवाना है तो आप कैसे सही करवा सकते हैं। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताते चलूंगा, आपको सेम वो फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको आईडी बना लेनी है, अगर नहीं है तो आपकी आईडी, मेरे पास आईडी ऑलरेडी है तो मैं लॉग इन करूंगा। सिंपल से आप रजिस्टर कर सकते हैं, सिंपल सा, यहाँ से सिंपल सा प्रोसीजर है, मेरे पास पहले से है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। उसके बाद करना है आपको अप्लाई फॉर फेस और रीइश्यू पासवर्ड, यहाँ पे होम पेज पे दिख जाएगा। उसके बाद करना है अपना अपने को क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं रीइश्यू, क्योंकि हमारे पास नाम चेंज करवाना है, फेस नहीं करना, रीइश्यू करवाना है। फिर है चेंज इन एक्साइटिंग पर्सनल पर्टिकुलर, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन पूछ रहा है कि किस में चेंज करवाना है आपको, डिलीट करवाना है, ईसीआर सिग्नेचर चेंज करवाना है, स्पॉन्स का नाम चेंज करवाना है, क्या करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज है, सर नेम चेंज है, क्या करना है। अब जैसे मेरे केस में नेम चेंज करवाना है तो मैं नेम चेंज पे जाऊंगा। उसके बाद कैसा चाहिए आपको, तत्काल में चाहिए, नॉर्मल चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए नॉर्मल, आराम से। कितने पेज का चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज तुम्हें नॉर्मली 36 पेज का चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है नाम, तो यहाँ पे आपको जो करंट नेम है आपका, जो सही नाम है वो देना है। ठीक, याद रहे यहाँ फर्स्ट में आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों डालने हैं, फर्स्ट वाली रो में। यहाँ पे आपको लास्ट नेम डाल देना है, जो मैंने डाल दिया। उसके बाद जेंडर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हैव यू एवर बीन नो बाई अदर नेम, तो इसमें नो कर देंगे। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो इसमें यस कर देना। इसमें पहले आपका क्या नाम था, तो जैसे मेरे केस में था रिंकू कुमार, मतलब जो भी आपका नाम रहा हो पहले, जो आप पहले है पासपोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स में है, वो नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ये पूछ रहा है कि आपका जन्म आउट ऑफ इंडिया हुआ है, तो नहीं, हमारा इंडिया में ही है, इसलिए पहले से बर्थ पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे अपने घर की जो लोकेशन है, सिटी है, विलेज नेम है, वो डाल देंगे। उसके बाद स्टेट डाल देंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस डाल देंगे, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है आपका। उसके बाद सिटीजन आपकी किस टाइप की है, जैसे हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हम, मेरी है बर्थ और आपकी कोई और है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। पैन नंबर है तो आप पैन नंबर डाल दीजिए, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, वो सिलेक्ट कर दीजिए। ये पूछ रहे हैं कि मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैंने किया नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं आपके पास, तो ग्रेजुएट हैं तो वो डाल देंगे। तो पूछा है एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, इसका मतलब होता है कि बंदा ना पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंडेटरी है कि 10th पास है बंदा, अगर 10th की मार्कशीट है तो वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में एप्लीकेबल है। और 10th पास नहीं है, 10th की मार्कशीट नहीं है, तो वो बंदा आएगा, नो करना है आपको इसमें। तो मैं हूं, मैं यस करूंगा। ऐसा कोई भी अपना मार्क डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यस पे क्लिक करना है, उसको सेव कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे कि सारी चीजें जो हमने डाली वो सही है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको यस करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आधार नंबर मांग रहा है तो आपको डालना पड़ेगा। मैंने अपना आधार नंबर ले लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है पापा का नाम, जो आपका पापा का नाम है वापस में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के साथ में डाल देंगे, इधर सर नेम डाल देंगे। मम्मी का नाम डालना है आपको। उसके बाद गार्जियन, अगर यदि कोई है तो उनका नाम डाल देंगे। अब शादीशुदा है तो आपको हस्बैंड या वाइफ का नाम डालना है। जैसे ये सारी चीजें मैंने फिल कर दिया, उसके बाद मैं उसको भी सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो नहीं है। ये पूछ रहा है हाउस एड्रेस दीजिए,
जो आपका घर का एड्रेस तो आपको वो डालना है। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे विलेज तक, या फिर आपका जो लोकल है वहां तक डाल देंगे। इसमें सिटी डाल देंगे, उसके बाद स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन लगे वो सिलेक्ट कर देंगे। पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे आपके, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। एक बार ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेंगे सही है कि नहीं। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, कि परमानेंट एड्रेस यही है क्या? तो मेरे केस में यही है, तो ये आगे पूछ रहा है तो मैं इसको यस कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो टेम्पररी एड्रेस है तो आप इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास परमानेंट एड्रेस भी यही है तो इसलिए मैं इसको यस यस करके उसको सेव कर देता हूँ। ये ओटीपी के लिए पूछ रहा है, इसको ओके कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे। ये पूछ रहा है इमरजेंसी में कांटेक्ट, मतलब अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो किससे कांटेक्ट करें? तो उसमें अपने कोई भी फैमिली मेंबर के आप डिटेल्स दे सकते हैं। तो मेरे केस में मैं नाम और एड्रेस डाल देता हूँ, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है और खाली छोड़ सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर ये उसको सेव कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो ओल्ड पासपोर्ट नंबर है ये मिलेंगे, वी या फिर जहाँ बार कोड होता है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरे पास जैसे है मेरा ये मैंने डाल दिया। उसके बाद जो डेट ऑफ इश्यू है कि कब आपको पासपोर्ट मिला वो डालेंगे इसमें। आप पासपोर्ट पे ये दिया होता है, आप वहां से चेक करके डाल सकते हैं। सेम कॉपी पेस्ट मतलब एंटर करना आपको। डेट ऑफ एक्सपायरी भी सेम पासपोर्ट पे होगी, आप वो पासपोर्ट से देख के जो पुराने वाला पासपोर्ट है उसमें देख के आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में पैलेस ऑफ इश्यू कहाँ था ये भी आपको पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है, तो आप वहां से देख के यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद फाइल नंबर होगा, जो फाइल नंबर दिया होता है पासपोर्ट के अंदर भी, और आप आपके पुराने एप्लीकेशन के अंदर भी आपको वो भी डालना है, ठीक है। इसके बाद पूछा है डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट की डिटेल अवेलेबल है, तो इसको नो कर देंगे। ये पूछ रहा है पहले से कोई पासवर्ड है उसकी डिटेल अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ और इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे और नेक्स्ट पे कर देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद इन सबको नो नो करते जाएंगे। उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ के, यदि आपका कभी रिफ्यूज हुआ है या डिनाइड हुआ है, मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे केस में सारे नो है, क्योंकि कहीं पे कोई केस वेस रिफ्यूज कुछ नहीं हुआ। आप इनको अच्छे से पढ़ के, मोस्टली केस में नो ही होता है, लेकिन आप इनको सबको अच्छे से पढ़ के ही आंसर दें यस नो में। तो मेरे केस में सारे नो है इसलिए मैं नो करके इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट करना है, उसके बाद में आपको ये पूरी डिटेल चेक करनी है कि सही है कि नहीं। इन पे टाइप होगा पी, इंडियन है, राष्ट्रीय कोड, इस पे नाम चेंज चेक कर लेंगे अपना प्रॉपर नाम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये पूरा वेरीफाई कर लेंगे एकदम। ये चीज है लास्ट में, आप फाइनल अपना पुराना जो है अगर वो आपका सही था तो उससे आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ पहुंच रहा है आपके पास, तो आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए चल जाएगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट है तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पहुंच रहा है तो करंट एड्रेस है वो डाल देंगे जहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आई एग्री कर देंगे और सेव माई डिटेल कर देंगे।
उसके बाद ये पूरा एप्लीकेशन आप देख लेंगे कि मेरी सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। उसके बाद आप इसको सबमिट करके और पेमेंट कर देंगे। तो वो स्टेप मैं अभी बताने वाला हूँ आगे। बस इतना सा काम है, इसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। वहाँ पे आपको पुराना पासपोर्ट लेके जाना है, कोई भी दो अदर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। यदि आपके पास गजेट का नोटिफिकेशन है तो आपके पास वो लेके जाना है आपको। अगर वो नहीं है तो आपको कोई भी दो न्यूज़पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश, उनमें पब्लिश करवाना है। उनकी एक कॉपी लेके जानी है, ठीक है, एक एफिडेविट लेके जाना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, वहाँ सबमिट करना है। पूरा सारा का सारा प्रोसीजर सेम होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन कर सकते हैं आप, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन का यहाँ पे है नहीं। ऑनलाइन पेमेंट करके आपको ऑफिस जाना है, तो सेम प्रोसीजर जो पहले किया था सेम वो का वो होगा। इस तरह से आप पासपोर्ट में नाम चेंज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।